अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में हम खड़े हैं। ये पिछले साल का लगाया हुआ गन्ना है। इस साल हम अलग पद्धति से, डिफरेंट तरकीब से गन्ना लगाने का प्रयास है और उत्पादन 100 टन प्रति एकड़ लेने का प्रयास है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहला होता है, जरूरी होता है कि आप बियाना कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये गन्ना है, ये 12 से 14 फीट हाइट का है। इस गन्ने को तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, जिसमें एक ग्लूकोज फॉर्म हो गया है, शुगर फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है नीचे का पोर्शन, बीच का पोर्शन जिसमें शुगर फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, और ये तीसरा पोर्शन आप देख सकते हैं जिसे कवला बोल सकते हैं, ये कवला है। तो सीड सेलेक्शन इसमें से करनी चाहिए। और ये आंख जो फूट रही है, इसकी ये जो आंख फूट रही है, ये जो कवला पोर्शन है, इसमें से सीड का सिलेक्शन किया जाता है। तो गन्ने के 1/3 में से सीड का सिलेक्शन होगा। अभी आप देखेंगे कि हम इसको इसमें से सीड्स के लिए गन्ना अलग निकालेंगे। ये बीज अमृत है, जीवा अमृत के अंदर चूना डाल करके इसमें मिक्स किया गया है। नीरो कटिंग कर लो। आधा घंटा इसमें डुबा के रखा जाएगा और उसके बाद में इसे निकाल करके इसे सुखाया जाएगा, और सुखाने के बाद में मैं आपको जो गन्ने की लागवड जिस तरह से होने वाली है, दो दो काट निकल लो। और एक तोड़ो और एक निकलो। ये घनजीवा अमृत इसमें डाला गया है, जमीन को थोड़ा सा मॉइस्चर किया गया है, और मॉइस्चर करने के बाद में इसको जो है एक दो गांठ यहां रखी जाएगी और एक 1.5 फीट पे दूसरी गांठ रखी जाएगी, और इसको फिर इस मट्टी से ढक दिया जाएगा। अब ये 1.5 फीट का गैप इसलिए रखा गया है कि जब इसके अंदर से जर्मिनेशन होगा तो इसमें से जो ब्रांचेस फूटती है, तो क्योंकि यहां से मट्टी का सपोर्ट रहेगा तो यहां से इसकी ब्रांचेस नहीं फूटेगी, जहां उसको मट्टी का सपोर्ट कम है वहां से इसकी ब्रांचेस फूटेगी। इसकी भी ब्रांच कोई देखता नहीं, बरोबर ना? इसमें दो लगाने सिंगल अपन ने इधर क्या नक्की किया, चार गाट लगाने का ना, लगा उसके बाद में। या 2 फीट छोड़ के लगाना है इसमें, अपने को दो गांठ इधर लगाना है, दो गांठ इधर लगाना है, 2 फीट छोड़ो, 2 फीट छोड़ना है, 2 फीट नहीं हुई और हाँ अभी लगाओ, अब उसके बाद में लगाओ ना, इधर लगाना है ना, ये 2 फीट डिस्टेंस हो गया, अभी 2 फीट और छोड़ना है, 2 फीट छोड़ो, आठ नीचे गई इधर है ना, एक नीचे रहती है, ऊपर रहती है। बाहर नहीं जा रहा, वो तो लाइन ही है ना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दो उसपे।